प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अब तक आपने मेरे 4 वीडियो पहुंच चुके हैं। अब ये 5वां वीडियो है जो कि बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट फर्स्ट का है। आपने 5 विश्लेषण देख लिया, आगे भी अपन देख लिए हैं और अब अपन देखते हैं परिचालन बिंदु भी अपन देख चुके हैं। अब आता है आपका अगला पॉइंट जो है ये रिड्यूसिंग ऑफ द ऑफ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, जटिल परिपथ का लघुकरण करना। लघुकरण अपन टी और पाई नेटवर्क द्वारा करते हैं, तो बहुत से जो जटिल परिपथ है उनको सरल करना बहुत कठिन होता है, इसलिए उनके व्यवहार को समझने के लिए अपन इस विधि का प्रयोग करते हैं, उनको लघुकरण करते हैं। किसी निष्क्रिय जाल है उसके तुल्य ही कोई दूसरा निष्क्रिय जाल होता है जिसका कि वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और करंट दोनों सेम होती है। ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को हम रिड्यूसिंग कर सकते हैं। तो इसको आगे आपका मेनी नेटवर्क आर वेरी इंट्रिकेटेड एंड दियर एनालिसिस इज डिफिकल्ट, दियर बिहेवियर कैन बी अंडरस्टूड बाय द रिड्यूसिंग ऑफ दिस नेटवर्क। एनी पैसिव नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू अनदर पैसिव इक्विवेलेंट इफ द वोल्टेज एंड करंट ऑब्टेन एट द आउटपुट रिमेन सेम। सपोज देयर इन अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द बॉक्स, इस बॉक्स में अपने रिप्रेजेंट कर रखे हैं, द एंड इट्स द एक्सटर्नल टर्मिनल आर 1-1 एंड 2-2, दो टर्मिनल है। तो बाह्य जो टर्मिनल है उस पर एक लोड लगा रखा है बाय कनेक्टिंग टर्मिनल 2-2 है, बाय कनेक्टिंग डिफाइंड लोड एट वन ऑफ दियर पेयर ऑफ टर्मिनल, द इनपुट इम्पीडेंस एट द अदर पेयर ऑफ टर्मिनल कैन बी डिटरमिनेट। बाहर जो लोड लगा करके किसी एक इनपुट पर अपन उसका डिटरमिनेशन कर सकते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी दिस लोड इम्पीडेंस कैन बी टेकन एज इनफाइनाइट और जीरो, वो जो लोड इम्पीडेंस है उसको अपन जीरो या इनफाइनाइट लेंगे। देन उस कीपिंग द लोड टर्मिनल ओपन और शॉर्ट सर्किट, जो लोड टर्मिनल है उसको अपन ओपन या शॉर्ट सर्किट रखेंगे। तो 2-2 टर्मिनल, कीपिंग 2-2 टर्मिनल ओपन द इम्पीडेंस मेजर 1-1 टर्मिनल पर, द टर्मिनल इज रिप्रेजेंट बाय Z1 ओपन सर्किट एंड शॉर्टिंग 2-2 टर्मिनल, तो द इम्पीडेंस मेजर 8-1-1 टर्मिनल इज रिप्रेजेंटेड Z1 शॉर्ट सर्किट। सिमिलरली द इम्पीडेंस मेजर 8-2-2 टर्मिनल कीपिंग 1-1 टर्मिनल ओपन एंड शॉर्टिंग द रिप्रेजेंटेड बाय J2OC एंड J2SE, सॉरी शॉर्ट सर्किट। किसी इसमें पहले टर्मिनल को अगर आप ओपन रख करके दूसरे पे मेजर करते हैं तो वह अपना ओपन सर्किट होगा J2, और पहले वो शॉर्ट करते हैं और दूसरे फिर मेजर करते हैं तो आ गया आपकी J2 शॉर्ट सर्किट। फॉर एनी नेटवर्क दीज फोर इम्पीडेंस आर इक्वल टू द रेसिस्टिविटी टर्मिनल इम्पीडेंस ऑफ अ गिवन नेटवर्क, द टू नेटवर्क आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। Using at least 3 impedance, a simply network can be formed which is equivalent to any other critical network. The 3 impedance can be used to obtain network of 2 set, T and Pi set के रूप में अपन इसको यूज कर सकते हैं। ये आपका जटिल नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ये T नेटवर्क है एंड ये Pi नेटवर्क है। तो सपोज एनी क्रिटिकल 4 टर्मिनल नेटवर्क जो अपन ने पहले ही डिफाइन किया जा चुका है, द इम्पीडेंस आर Z1 ओपन सर्किट, Z1 शॉर्ट सर्किट, Z2 ओपन सर्किट और Z2 शॉर्ट सर्किट। तो इफ एन इक्विवेलेंट नेटवर्क इन फॉर्म ऑफ Z1, Z2, Z3,
ये Z1, Z2, Z3 के रूप में इसको लेना है। तो द इम्पीडेंस एट 1-1 टर्मिनल कीपिंग 2-2 टर्मिनल इज ओपन, 2-2 टर्मिनल को अपन ने ओपन रखा है। तो 1-1 पे अपन को लेंगे तो अपने पास होगा Z1 ओपन सर्किट, Z1 ओपन सर्किट, ये आपने इसको इम्पीडेंस को अपन ने ओपन रखा है, तो ये आपका आ जाएगा Z1 प्लस Z3 ओपन सर्किट। जब इसको अपन शॉर्ट कर देंगे तो ये दोनों तो पैरेलल हो गया, फिर इसका आ जाएगा तो Z1 शॉर्ट सर्किट आपके पास आ जाएगा Z1 प्लस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। सिमिलर Z1 ओपन सर्किट, देन वी विल गेट Z2 ओपन सर्किट। ये अपन ने देखे तो Z2 अपने पास Z2 ये यहाँ भी आ गया, तो ये इसको अब ओपन रखेंगे तो Z2 ओपन सर्किट अपने पास Z2 प्लस Z3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको जब शॉर्ट कर देंगे तो आपके पास में क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा, ये फिर सीरीज में हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से ये अपने पास चार इक्वेशन प्राप्त होगी, Z1 ओपन सर्किट इक्वल टू Z1 प्लस Z3, Z1 शॉर्ट सर्किट इक्वल टू Z1 प्लस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, और Z2 ओपन सर्किट का मतलब हो गया Z1 को ओपन रखा अपन ने, तो Z2 टर्मिनल पे अपन ओपन रखते हैं, ये अपने पास प्राप्त हो गई, ये दोनों रह जाएगी J2 प्लस J3 जो इस सीरीज में है, और शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ये दोनों, ये आपके दोनों पैरेलल हो जाएंगे, फिर ये सीरीज में हो जाएगी। तो अब इसमें से आपने J1 ओपन सर्किट माइनस J1 शॉर्ट सर्किट माइनस किया तो ये अपने पास ये इक्वेशन प्राप्त हुई, इससे अपने पास J3 इक्वल टू ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। Z1 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा Z1 ओपन सर्किट माइनस J3, और J3 इक्वल टू J2 ओपन सर्किट माइनस J3। इस तरीके से अपन टी सर्किट के इक्विवेलेंट Z1, Z2, Z3 की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से पाई नेटवर्क में अपन एनालिसिस करें तो Z1 ओपन सर्किट, ये Z1 ओपन सर्किट कब होगा, जबकि अपन को ये Z1 ओपन सर्किट, Z1 ओपन सर्किट ये लगा, तो ये इस टर्मिनल को अपन ने खुला रखा, तो यहाँ पर ये जो दोनों है वो सीरीज में फिर पैरेलल में आ जाएगी, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी JB ये दोनों को सीरीज निकाला तो पैरेलल फिर सीरीज में ले लिया, ये अपन ने ये पहले सीरीज निकाला फिर इसके पैरेलल आ जाएगा, तो आपके पास में सरल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ZA ZB प्लस ZC ZA ZB ZC। इसी तरीके से Z2 ओपन सर्किट की बात करेंगे तो Z1 को अपन ओपन रखेंगे Z2 ओपन सर्किट आ जाएगा, इसी तरीके से Z1 शॉर्ट सर्किट ZA ZB ZA प्लस ZB, ये तीन इक्वेशन अपन को प्राप्त होगी, और इक्वेशन नंबर 9 और 10 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 10 को, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद अपन को ये प्राप्त होगी ZA ZB ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC, और 8 और 10 यूजिंग 8 और 10 इक्वेशंस को अपन यूज करते हैं, तो इनमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद में अपन को ये इक्वेशंस प्राप्त होगी ये, और इसको सरल करने पर ये प्राप्त हो जाएगा। अब इस वाली इक्वेशंस को डिवाइडिंग बाय जो 11 इक्वेशंस है उसको 13 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में सरल करेंगे अपन को ZB प्राप्त हो जाएगी, और इसी तरह से ZB की इक्वेशंस है उसका यूज करके हम ZA और ZC भी प्राप्त कर सकते हैं। ZA कैसे प्राप्त होगी कि अपन को इक्वेशन नंबर 9 ध्यान देना, इक्वेशन नंबर 11 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 9 माइनस इक्वेशन नंबर 13 करने पर आपको ZA प्राप्त हो जाएगा, यहाँ सरल रूप में दे रखा है। इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 11 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 8 माइनस 13 करेंगे तो अपन को ZC प्राप्त
होगा. इन शॉर्टली एनी न्यूक्लियर बायलैक्टिक एंड पैसिव इलेक्ट्रिक सर्किट एट अ डिफाइंड फ्रीक्वेंसी, मतलब निश्चित फ्रीक्वेंसी पर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टी और पाई नेटवर्क. थैंक यू. इसके आगे का हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे और समझाएंगे.